अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक का महीना बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पेपर 17 मई 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड क्लास 9 और मैट्रिक कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग में जो पेपर्स हैं, गेस्ट पेपर्स या इंपॉर्टेंट पेपर्स या क्वेश्चंस पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप तक तमाम वीडियोज़ मतलब तमाम क्वेश्चंस पहुँच जाए और आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू फिजिक्स बुक क्लास 10 साइंस ग्रुप गेस्ट पेपर, ये टारगेट पेपर इसको बोल लें, ये मैं आपको बताऊंगा, जिसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको और आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल नाम पढ़ो लर्न टुगेदर और मैं सर शारिक आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपको ये जो लेक्चर्स की PDF है वो आपको कैसे मिलेगी, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना है, आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पर हम कमेंट कर रहे होते हैं ना, कमेंट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उसको आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो PDF लिंक लिखा हुआ आएगा। उस PDF लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पे एक गोल तरह से ना एक सर्किल गोल घूम रहा होगा। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने ऊपर देखना एरो टिक बना होगा, एक एरो बना होगा, उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ कि किस तरह से डाउनलोड करना है ताकि आप इसे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त में मिल जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब डेट शीट की टाइम टेबल जो आने वाला है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पेपर्स के स्टार्ट के हवाले से किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह का नहीं आ सकता, गैस पेपर। और साथ साथ मैं अपने चैनल में लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, क्लास मैट्रिक क्लास 9 के तो लेक्चर्स अपलोड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स केमेस्ट्री के रिलेटेड, और मैं साथ साथ MCQs वगैरह भी सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो। चले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि न्यू बुक है आपकी, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड करके आपको दे दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्या क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल जो मैंने दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, डिफाइन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्क्राइब इट 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड ऑल्सो राइट डाउन द 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट। आपने क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने क्या बताना है, उसको डिफाइन करना है, फिर उसके साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो बड़े आते हैं, और फिर उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। ठीक है, और साथ साथ प्रूव भी करना है, द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब पेंडुलम जो होता है वो हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि जो बॉडी अटैच होता है किसी स्प्रिंग से, स्ट्रिंग से, तो आपने क्या करना है उसके बारे में भी तफसील से बताना है, दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद इट्स रेंज ऑफ वेवलेंथ। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताना है, स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है और उसकी रेंज बतानी है। फिर आपने बताना है, डिफाइन द रेडियो आइसोटोप्स एंड स्टेट देयर वन यूज इन एग्रीकल्चर एंड 2 यूजेस इन मेडिसिन। आपने एग्रीकल्चर के 2 यूजेस, 1 यूजेस बताना है और 2 यूजेस इन मेडिसिन बताना है। अब जाहिर सी बात है 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, तो आपने इसको 3-3 देख लेना है कि यूजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, और फिर आपने इसके बारे में रेडियो आइसोटोप्स के बारे में बताना है, इन तीनों के बारे में कौन कौन से क्या चीज़ें। ठीक है, फिर डिफाइन रेजिस्टेंस है एंड स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, कंडक्टर डिपेंड, आपको मैं इसलिए स्लो स्लो डाउन लेके जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको ये क्या कहते हैं इसे सेंड कर दूंगा। ठीक है, फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर एंड ड्रॉ अ सिंपल सिंबलिक डायग्राम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। आपने बताना है, फिर बताना हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टेकआउट कर लेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफाइन द रेटिफिकेशन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सेमी कंडक्टर एंड डॉट एज अ रेटिफायर, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी करिए। तमाम क्वेश्चन वो है जो पेपर्स में आते रहे। ठीक है, व्हाट इज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट डाउन 3 फेनोमेना दैट सपोर्ट दिस थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी के बारे में बताना है और इसके बारे में बताना है कि किस तरह से ये वेरीफाई होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताना है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर रेंजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द न्यूटन कॉर्पस
कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, राइट डाउन थ्री फेनोमेना दैट सपोर्ट दिस थ्योरी. ठीक है, इसके बारे में आपने क्या करना है, बताना है. हमारे पास क्या है, फिर राइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ड्राइव मिरर इक्वेशन बताना है, और उसके तमाम आपने मिरर इक्वेशन की इक्वेशन दी हुई, इसको ड्राइव करना है. व्हाट इज फ्यूजन, फिजन एंड रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन द चेंज रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड आल्सो राइट इन द इक्वेशन. ठीक है, इसके बारे में भी आपने बताना है. फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि आपने बताना है स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है जूल्स लॉ एंड ड्राइव द रिलेशन ऑफ डब्ल्यू आई टू आर टी के बारे में, आपने पूरा कंप्लीट इसको ड्राइव करना है. ठीक है, अब आते हैं नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन कौन से हैं. कुछ क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं बेटा, कुछ यूजेस बताने हैं आपने मिरर्स के बारे में. शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको स्टेट करना है ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, स्नेल लॉ, राइट हैंड लॉ एंड जूल्स लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है. फिर यूजेस है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में, डिफाइन द प्राइमरी सेल के बारे में बताना है, फोर एग्जाम्पल्स देनी है इसकी, राइट द नेम ऑफ थ्री एलिमेंट्स विच मैग्नेट आर आर्टिफिशियल मेड बाय देयर अलॉय एंड ऑल्सो राइट थ्री मॉडर्न यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में यूजेस बताने हैं. तमाम क्वेश्चन हैं, इसको देख लो किस तरह से, मैं साथ साथ आपको शो भी कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डाउनलोड कर लो तो कोई मसला नहीं है. ठीक है, ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपके आ सकते हैं, और आपके इसकी तैयारी आप कर लोगे तो आपको 100% मार्क्स आराम से मिल जाएगा. 100% में से मुराद ये है कि आपके पास अगर शो होता है पेपर तो आपको तमाम क्वेश्चन आ रहे होंगे जो उसके अंदर मौजूद होंगे, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हो तो. अगर नहीं करते हो, कुछ नॉर्मल गैस पेपर भी मैं प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर कम क्वेश्चन होंगे, तो आपने क्या करना होगा, आपने उसकी तैयारी इस तरह से कर देना होगा. ठीक है, उस क्वेश्चन से तैयारी कर लेना है, लेकिन ये याद रखना इसकी तैयारी करोगे तो 100% पेपर कर सकोगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का आपके पास क्या है बेटा, गैस पेपर है, एक तरह क्वेश्चन पेपर है. लेकिन आप एक बात याद रखना कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स की एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लीजिएगा. ठीक है, कुछ डिफरेंस बिटवीन भी तमाम डिफरेंशिएट है, आपने क्या करना है चार चार पॉइंट, पांच पांच पॉइंट लिख दिएगा डिफरेंस बिटवीन करने के. ठीक है, आपने बताना है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताना है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म, इन तमाम के बारे में आपने बताना है. ठीक है, एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपकी क्या चीजें होंगी, आपके उसके अंदर न्यूमेरिकल मौजूद होंगे. ये कहीं शॉर्ट क्वेश्चंस थे और ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आके खत्म हो गए, कुछ डेफिनेशंस भी हैं जिसको भी आप देख लीजिएगा. ठीक है, तमाम वो क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं और आ सकते हैं क्या, इन्हीं में इन्हीं तमाम क्वेश्चन इन्हीं सवालों में से जवाबात में से आएंगे और कहीं से नहीं आ सकते. ठीक है, अगर आपको मेरा ये गैस पेपर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें. आपको बताएं कि मैं MCQs पेपर भी अपलोड कर रहा हूं, तो MCQs पेपर देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल में जाना है और वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना है. फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.